यो व्हाट्स अप, दिस इज अंशु यादव और मैं एक एक्स नीट एस्पिरेंट हूँ। और तुम्हें पता है एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा फैन मोमेंट क्या है? कि जिन यूट्यूबर्स को वो देखते हैं, जिनसे वो सीखते हैं, जिनसे वो मोटिवेट होते हैं, उन्हीं से मिलने का मौका मिले। एंड तुम्हारा भाई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड देट टू ऑन द सेम स्टेज। देखो वैसे तो मैं इस इवेंट में एज अ क्रिएटर जा रहा था, लेकिन मैं ना इस इवेंट के लिए एज अ क्रिएटर से ज्यादा एज अ सब्सक्राइबर एक्साइटेड था। तो ज्यादा बकवास नहीं करते और निकलते सीधा अपने MCC इवेंट के लिए। पहुंच गए ब्रो। वैसे काफ़ी अंधेरा दिख रहा है बिकॉज मैंने सन ग्लासेस पहन रखे हैं। मैं हटाता हूँ इसे। उसके अलावा आए ओह इतने घंटे बाद जाके लेटने मिला। हाँ 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 भाई, सुबह से ट्रैवल करते करते मैं तो थक गया भाई। अभी दूसरे रूम में बाकी की पब्लिक बैठी है, तो थोड़ा सा अभी फ्रेश होके मैं उधर जाता हूँ फटाफट, कुछ मिस ना हो जाए भाई। बट हाँ, बेड टेस्ट अगर मैं करूँ तो बेड इज़ गुड, मज़ा आएगा। देन हमने थोड़ी देर एट बॉल पूल खेला, जो कि हमें तो खेलने नहीं आता था, खाली राज भोसले सर को आता था और उन्होंने हमें थोड़ा बहुत सिखाया और उन्होंने चीटिंग भी बहुत करी इस गेम में। चलो ये तो अच्छा शॉट है। ये रिकॉर्ड हुआ है। अरे मार दिया वो। पांच मार दिए ना कितने एक शॉट में। राज भैया ने भी कैमरा पे है। बहुत ही आराम से निकल गया, बहुत ही आराम। गया वो दूसरा वाला गया। एक कोई तो गया। मैंने कैलकुलेट किया था, बताना नहीं। चीटिंग करते हैं ये, अंदर दिखाऊंगा कैसे। ये देखो ये चीटिंग करते हैं ये। देखा अभी बॉल को हाथ लगाएंगे। देखो ये देखो ये चीटिंग है भाई, तब जीत रहे हैं। वो यही बोल के उठ गए कि रात चीटिंग करता है, इसलिए वो नहीं खेल रहे। देखो ना फिर उठाएंगे, अब चीटिंग करेंगे। देखना देखना स्किल, आप इसको स्किल बोला। हम बच्चे हैं ना, तो रॉप झाट रहे हैं। हम लोग सीन हो गया इनका। ओह क्रेजी, ओह क्रेजी, क्या क्रेजी भाई। कुछ और आज भाई की आ रही है। एनीवेज फिर हम लोग ने थोड़ी बहुत क्लबिंग करी, जहाँ पे इवेंट में आने वाले सारे क्रिएटर्स आए थे ऑलमोस्ट। और पता है हम लोग ना सब एक दूसरे को पहली बार मिल रहे थे, लेकिन पहली बार की तरह नहीं मिल रहे थे। अब क्लब के बाद वाले सीन मैंने ज़्यादा शूट नहीं करे, क्योंकि हम लोग सब अच्छे बच्चों की तरह रूम में जाके सो गए थे। हाँ यही बोलना पड़ेगा। बट एनीवेज नेक्स्ट डे के इवेंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और हम सब लोग सुबह सुबह ही पहुँच गए थे इवेंट के लिए। मतलब हमें इवेंट की टाइमिंग सुबह की ही दी गई थी, तो इसलिए हम सुबह ही पहुँच गए थे। Ready for whatever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. इवेंट में बहुत ही क्रेजी क्रेजी सेगमेंट थे, जिसमें से सबसे पहला सेगमेंट तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन वाला था।
Hey everyone, I am Anshu Yadav और मैं अभी कोई कॉलेज में नहीं हूँ, मैं इस साल कॉलेज ज्वाइन करूँगा, ठीक है? And I create like lifestyle blogs and study blog and cinematic style. Thank you. और तुम्हें पता है इवेंट में मैं अकेला था जिसने अब तक MBBS में एंट्री भी नहीं ली, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी था. मुझे लग रहा था भाई कि मुझे वहाँ पे कोई भावी, फिर लोग ऐसे सोचेंगे ना ये तो जूनियर है, लाइक ये हमारे उस लीग में आता ही नहीं. बट ऐसा कुछ नहीं था भाई, वहाँ पे सब लोग इतने फ्रेंडली थे. और लाइक मेरे को तो सबसे जूनियर होने का सबसे ज़्यादा पर्क ही था, ऐसा नहीं था कि मैं सबसे छोटा फील करूँगा ऐसा कुछ. उल्टा मुझे अच्छा लग रहा था कि ठीक है भाई, मेरे वहाँ पे मौजूद हर कोई सीनियर ही था और मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ. और उसके बाद मेन इवेंट चालू हुआ जिसके कुछ क्लिप्स ये रहे. तो दिस इज हाउ वी क्रिएट कंटेंट समटाइम्स. हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, बस हमें कैमरा खोल के चालू करना होता है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट माय रोस्ट, थैंक यू. इसको गट्स बोलते हैं, तेरा ही रोस्ट हो गया थोड़ा सा. हाँ, एक्सो में मैंने काफी लोगों को रोस्ट किया है तो मुझे भी अपना रोस्ट ही करना था, ठीक है भाई. मैं एक कहानी बताता हूँ. 2019 में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे, इसके 5,000 सब्सक्राइबर थे. एंड ही यूज्ड टू मेक रोस्ट अबाउट अमन तिलक एंड आर्यन राज सिंह. हाथ धो के पीछे पड़ा था. अमन तिलक पे इसमें सीरीज बनाई थी, 3 वीडियोस थी, 1, 2 and 3. अमन तिलक एन अल्टीमेटम. अमन तिलक, इफ यू डोंट क्लोज योर चैनल टुमारो, आई विल पोस्ट अ वीडियो एंड आस्क माय सब्सक्राइबर्स टू रिपोर्ट योर चैनल. एंड ही डिड इट. सो ही एक्चुअली पोस्टेड अ वीडियो द नेक्स्ट डे. ही इज गोइंग ओवर द स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड स्टेप, दिस इज हाउ यू क्लिक दिस बटन एंड देन यू पुट द. साक्षी सबसे पहले मेरे को बोला था रोस्ट के लिए अप्रूव किया था, तो एंड अ लॉट ऑफ थैंक यू डॉक्टर साक्षी. साक्षी ने रील डाली और बोला कि जो कमेंट करेगा उसको मैं फ्री कंसल्टेशन दूंगी. उस रील पर से किसी का कमेंट है, ठीक है? साक्षी ने अपने कैप्शन में लिखा है कि उसको शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलना अलाउड नहीं करते बिल्कुल भी, तो इसलिए वो घर पे मीशो का प्रचार करती है, ठीक है? एंड साक्षी के रील के कैप्शन में इसको लिखा है, इसने लिखा है कि मैं हूँ फीमेल डॉन, ठीक है, पर 6 बजे के पहले, उसके बाद गुंडागर्दी पापा लाभ नहीं करेंगे, ठीक है? साक्षी का पहला ड्रॉप कोटा से हुआ था और साक्षी बहुत अमीर है, उसने 2 करोड़ रुपए पूरा कलेक्ट कर लिए थे कि यार मैं इस बार नीट का पेपर खरीदूंगी, ठीक है? पर वो खरीद नहीं पाई क्योंकि पेपर वाले ने बोला कि रात को 9 बजे आके पेपर ले जाओ. रोहतक से लिए जो कि वहां पे दिन में ही पेपर बिकता है. डालेंगे नाक से, आप पीते जाओ, जो आ रहा है पीते जाओ. कैन यू प्लीज स्प्रेड योर लेग्स अ लिटिल वाइडर. हेलो मैडम, हाय, आई एम डॉक्टर आकाश. आई डोंट नो. I'm new to this place, can you just help me with this location? Can you show me the direction to your heart? घर से माँ बाप ने ऐसा सिखाया है? नहीं नहीं, मैं खुद सीखा हूँ. किसी लड़की को ऐसा सीधा प्रपोज करते हो? फिर क्या जाके लड़के को प्रपोज करूँ? हाँ, मैं लड़की हूँ. अभी ठीक है, बताओ द डायरेक्शन टू योर हार्ट. कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा. बात करने का कोई डायरेक्शन नहीं है. आई डोंट लाइक यू, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी. ओके, एटलीस्ट टेल मी योर नेम. क्यों बताऊं मैं आपको? मतलब यहाँ पे तुम्हारे जितने खूबसूरत कोई नहीं है ना, तो इसलिए. इतना क्यों शर्मा रहे हो? अरे थैंक यू. अभी तो हम जा सकते ना, इतने से थोड़ी पे मान जाएगा. ओके, लड़कियां आजकल बहुत डिमांड्स करती है भाई. ओके, अब अपना डिमांड बताओ भाई, अपना डिमांड बताओ भाई, अपना डिमांड बताओ. बट वी डू इश यू फॉर मी, वी
और इस इवेंट के बीच में जब भी ब्रेक होता था हर कोई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगता था, और मैंने भी बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट करा बट मैं वीडियो वगैरह नहीं निकाल पाया क्योंकि मैं उसी में बिजी था। मैंने फोटोज़ वगैरह तो लिए बहुत सारे क्रिएटर के साथ बट वीडियो नहीं निकाल पाया। एनीवेज़ मैंने इन सब से बात करके ना बहुत सारी चीज़ सीखी, लाइक उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना कुछ स्टार्टअप बना रखा है, बहुत सारे थे जो लाइक MBBS के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैंने उन सब से कुछ कुछ चीज़ें सीखी और ख़ास करके MBBS लाइफ के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि MBBS लाइफ एक्चुअल में कैसी होती है, कैसे सर्वाइव करना होता है, और बहुत से एडवाइसेस दिए एकेडमिक वाले भी और नॉन एकेडमिक वाले भी। अब एकेडमिक वाले मैं अगर आपसे कुछ शेयर करना चाहूँ तो वो यही था कि भाई MBBS में घुसते ही ना मतलब पढ़ते तो रहना थोड़ा थोड़ा, ऐसे मत करना कि लाइक लोग होता है ना कि नीट के बाद निकले बहुत पढ़ लिया अब कुछ मस्त एक साल टाइम पास करेंगे फुल इंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। इंजॉय करो लेकिन बैलेंस करके चलो। तो एक यही पॉइंट था। फिर उन्होंने बोला कि लाइक फर्स्ट ईयर के कुछ कुछ हार्ड टॉपिक है जैसे एनाटॉमी और ये सब, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। और कुछ नॉन एकेडमिक एडवाइसेस भी दिए कि कॉलेज लाइफ अच्छे से इंजॉय करना, कुछ भी चीज़ मिस मत करना, सबके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना और बहुत सारे मेमोरीज बनाना। और ये भी बोला कि तुमसे जलने वाले लोग भी रहेंगे तो उनसे थोड़ा बच के, लाइक बेसिकली किसी पे भी ट्रस्ट करो तो थोड़ा सोच समझ के ट्रस्ट करो, बिकॉज लाइक ये तो हर जगह होती है टॉक्सिसिटी वगैरह, तो तुम्हारे आसपास बहुत से लोग होंगे जो तुमसे जेलस होंगे और तुम्हें एक नेगेटिव एनवायरमेंट देंगे, है ना, तो इनसे थोड़ा बच के चलना। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि लाइक MBBS कितना टॉक्सिक है, क्या है वगैरह वगैरह, रैगिंग और इन सब के बारे में, उन सब का मैं कभी इन फ्यूचर प्रॉपर वीडियो या फिर शॉर्ट में डिस्कस कर लूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाते। एंड या इस इवेंट के लिए लगभग इतना ही था। अब वैसे सुनने में तो ये बहुत छोटा सा इवेंट लगेगा लेकिन मेरे लिए इट वॉज बिग डे, क्योंकि जिन क्रिएटर्स को मैं एज अ ऑडियंस देखता आया था भाई, मैं उनसे लाइक एक्चुअल में मिलने गया वो भी एज अ क्रिएटर, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल कि तुम्हारी वजह से मैं यहां तक पहुंचा। और अगर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूं तो यही दूंगा कि भाई देखो 24 घंटे हर किसी की लाइफ में होते हैं, ठीक है, अब उन 24 घंटों को एग्जैक्टली कैसे यूज करना है वो तुम्हारे हाथ में। तो अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि भाई मेरे से ये चीजें नहीं होंगी, ये सब भाई मेरे बस की नहीं है, ये वही कर सकते हैं या फिर ये वही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तुम सब कर सकते हो अगर तुम इतना कॉन्फिडेंस रखोगे खुद पे तो। और देखो तुम जो भी करोगे आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, तुम्हें उसके रिटर्न्स मिलेंगे, तो जस्ट कीप अस। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग व्लॉग्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाले हैं। बस अच्छा सा कॉलेज मिल जाए।